हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं नेलपाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने के लिए विदिशा से गंज बसौदा। और हमारे साथ जो है ना हमारे प्रिय मित्र सोनी जी भी साथ में हैं। विदिशा से हम लोग निकल गए हैं और पेट्रोल पंप आप जैसे देख सकते हैं वहां पर पीछे, तो वहां हम पेट्रोल भरवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। और ये हमारी गाड़ी जो है ना यहाँ पर तैयार होती हुई और सोनी जी पर ड्राइव करते हुए इसमें, और फिर हम जो है ना बताते हैं आपको, अपने दोस्त से मिलवाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये जो हाईवे गया था सीधे और यहाँ से बासोदा के लिए कट मारा। और अब सोनी जी को भूख लगने लगी, तो सोनी जी हमारे जो है ना इस दुकान पर जो नाश्ता कर रहे हैं और मेरे बाल जो है ना उड़ गए हवा में गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी पर बैठे हुए। सोनी जी नाश्ता कर रहे हैं। सोनी भाई क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हो? समोसे ले रहे हैं सोनी भाई। तो नाश्ता वगैरह करके आप सोनी जी गाड़ी स्टार्ट करें और आगे की यात्रा प्रारंभ की जाती है। भाई साहब के द्वारा जो है ना बढ़िया समोसे खिलवाए गए, दो दो समोसे फटकार के अब हम आगे बढ़ते हैं गरम गरम। अभी आ चुके हैं गुलाबगंज और थोड़ी सी भूख ज्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना गुलाबगंज में आके थोड़ा सा नाश्ता वगैरह और किया जाए। सोनी जी अब हमारे साथ चल रहे हैं और अब सामने हमें दिखी है एक बढ़िया सी दुकान जिसपे हम स्प्राइट वगैरह पी सकते हैं। तो आप देखते हैं और स्प्राइट वगैरह पीकर फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। तो जो है ना स्प्राइट हमने ली है छोटी वाली, और अब थोड़ा पेट में साफ कर लें जरा। भैया की दुकान यहाँ पर बीच चौराहे पर जो दिख रहे हैं आप, यहाँ से पूरा गुलाबगंज का ये मेन चौराहा, इसके पास में भैया की दुकान है जिस पर हमें स्प्राइट ली और अब पी रहे हैं। स्प्राइट को खत्म करने के बाद अब गड्डी जो है ना अपन चलाएंगे, भाई चलाएगा गड्डी। सोनी भाई पता नहीं अब क्या लेने लगे हैं, पर गाड़ी खड़ी है हमारी और अब हम और आगे बढ़ते हैं बासोदा की ओर। बने रहिए साथ में हमारे, गड्डी हमारी तैयार। भाई ड्राइविंग करता हुआ तुम्हारी मोटरसाइकिल पे, तो फाइनली हम लोग बासोदा आ चुके हैं और शुभम भाई से अब हम मुलाकात करते हैं, जो हमने अपने मित्र को कहा था कि भाई हम अपने एक मित्र से मिलने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे मित्र शुभम भाई, इनसे हम मुलाकात करने के लिए विदिशा से बासोदा आए हैं। ये विदिशा बासोदा कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हैं और इनसे मिलके हमें बहुत ही खुशी लगी। इसी बीच बासोदा में हमारे एक परम मित्र भरत भाई से भी हमारी मुलाकात हुई है, और ये भी हमारे बासोदा न्यायालय में स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, और मनोभावनात्मक रूप से जो है ना इनसे हमारा जुड़ाव है, और मैं आशा से मैं इनके स्वास्थ्य मंगल की कामना करता हूँ। तो शुभम भाई के रूम पर आप देखो खाना बन रहा है यहाँ पर, और पनीर हमारे सामने जो हमारी फेवरेट है वो रखी हुई है यहाँ पर, प्याज वगैरह किस गई है और कढ़ाई में जो है ना बस सब्जी बनने के लिए तैयार है। बाकी सोनी जी भी हमारे कार्य रूप में परिणत हैं और जो है ना सब्जी बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बन रहे हैं, और मैंने भी जो है ना पनीर काट दी है और अब जो है ना बढ़िया आराम से बस बनाने की बारी है शुभम भाई की। तो शुभम भाई बनाएंगे और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद खाते हैं। भाई आज शुभम भाई की हाथ की पनीर खाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, बहुत ही मतलब आनंददायक है ये। तो शुभम भाई के द्वारा ये बेहतरीन मटर पनीर की सब्जी बनाई गई है और अब हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। शुभम भाई थाली लगा रहे हैं और सोनी भाई हमारे और भरत भाई भी, और अब आनंद के साथ हम लोग खाना खाते हुए आज की हमारी शुभम भाई से मुलाकात एक ही बहुत ही सराहनीय रही है, जिसके माध्यम से जो है ना हमें मटर पनीर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है शुभम भाई के द्वारा। हमने अनिल भाई विदिशा से आए, तो इनकी मनपसंद सब्जी मटर पनीर उनके आदेश के अनुसार हमने बनाई है। अब अनिल भाई टेस्ट पे बताएं कैसी बनी है। तो अब हम पनीर का टेस्ट बताते हैं आपको भाई, शुभम भाई के द्वारा बनाई गई। बहुत ही शानदार पनीर बनाई है भाई ने, एक नंबर। तो जैसा कि अभी हम शुभम भाई से मिलकर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और वो हमारे बहुत परम मित्र थे, और सोनी जी जो है ना वो भी मिलकर आए साथ में हमारे, ये भी हमारे मित्र हैं। और अब हम गुलाबगंज से मतलब बासोदा से वापस आ गए हैं, जा रहे हैं विदिशा और गुलाबगंज निकल आए हैं। अब हमारी जो गाड़ी है ना सोनी जी चला रहे हैं यहाँ से, अभी तक मैं चला कर आ रहा था। और देखिए सोनी जी अब तैयार कर लिए इन्होंने अपनी गाड़ी। और यदि मेरे चैनल को अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।